हाँ जी, स्वागत है तुहाडा सारे ना साडे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विद जॉब अलर्ट ते। अज जो नवा भाग स्टार्ट करन जा रहे हैं तां वो है जियोग्राफी का भूगोलिक तत्थ प्रश्न उत्तर ने वन लाइनर मास्टर केडर सबजैक्ट के लिए तां भाग पहला। सो स्टार्ट करन तो पहला जेकर तुसीं साडे चैनल ते पहली बार आए हो तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ तां जो तुहानूं हर रोज़ प्रश्न उत्तरां दी अपडेट वीडियो जिहड़ी मिलदी रहे। इस तों इलावा जो भी SST हिस्टरी दे नोट्स परचेज करना चाहुंदे ने तो असी पोस्ट ते अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिता होया उस ते कॉल कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जिहड़े हले भी कमेंट करके जो नोट्स मंग रहे ने तो उपर जो नंबर दिता हुंदा तुसी उते कॉल कर सकते हो या तुहानू असी कमेंट रिप्लाई दे विच अपना कॉन्टैक्ट नंबर है जिहड़ा वह रिप्लाई किया है तुसी जां हजे तक मैसेज रीड नहीं किया तां करके तुहानू अजो पता नहीं चलिया। सो इस ते ध्यान देना अगर जो भी SST हिस्टरी दे नोट्स लेना चाहुंदा है तो काफ़ी सारे ने कमेंट किए हुए ने पर उन्हां दा कोई रिप्लाई नहीं आया। तो स्टार्ट करते हैं जी जियोग्राफी प्रश्न उत्तर वन लाइनर ने मास्टर केडर लई। तो पहला प्रश्न है पृथ्वी ते सब तो विशाल हिमखंड स्थित है कित्थे स्थित है तो यह है जी अंटार्कटिका विच। पृथ्वी ते जिहड़ा सब तो विशाल हिमखंड है वो अंटार्कटिका ते स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है किहड़े नंबर दे नूं कहा जाता है तो वह कहा जाता है 2 नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को जिहड़ा ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है किहने बनवाया सी तो यह बनवाया सीगा शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है भारत प्रधान यमुनोत्र दे किस तरफ पैंदा है तो यह पैंदा है जी पूर्व दिशा दे वल। अगला प्रश्न है लोगों के पहाड़ों तो मैदानी इलाके अथवा इस दे विपरीत मौसमी नागमन की कहते हैं तो यह कहा जाता है जी रितु प्रयास तो इसनों रितु प्रयास कहा जाता है। खसी अते गारो जातियां ज़्यादातर किथे पाई जांदियां ने ये 2 जातियां के नाम ने खसी अते गारो। इस ते भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि खसी अते गारो की ने ऑप्शन के विचार तुहानूं ऑप्शन देणगे एक दे विच जाति आ जाएगा 3 होर ऑप्शन आ जाणगियां तो ये जातियां ने यह ज़्यादातर कित्थे पाई जांदियां ने तो यह पाई जांदियां ने जी मेघालय। अगला प्रश्न है सब तो अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिया पदार्थ किस चट्टान तो प्राप्त होंदा है यानी कि वध मात्रा दे विच तां इह हुंदा जी ग्रेनाइट तो इस चट्टान तो प्राप्त हुंदा है सब तो अधिक मात्रा विच जिहड़ा रेडियो सक्रिया पदार्थ है ग्रेनाइट तो साडा आंसर आएगा। विश्व का सब तो गहरा गुरत मेरियाना ट्रेज स्थित है कित्थे स्थित है तो यह है जी पछम प्रशांत महासागर दे विच है जिहड़ा विश्व का यानी कि वर्ल्ड का सब तो गहरा गुरत मेरियाना ट्रेज स्थित है पछम प्रशांत महासागर दे विच साडा आंसर आएगा। प्रायद्वीपी पठार दे 2 भाग एक तेलंगाना पठार अते दूसरा कर्नाटक पठार दे रूप विच जिहड़ी विभाजित करती है वह नदी केड़ी है उस नदी का नाम दसना है तो वह नदी है जी गोदावरी नदी। राजघाट बन किस नदी ते स्थित है तो यह है जी बेतवा नदी ते जिहड़ा राजघाट बन है यह बेतवा नदी ते स्थित है। भारत विच स्पीड पोस्ट सेवा कदों आरंभ हुई सी तो यह हुई सी जी 1986 दे विच। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश विच है कोटोपैक्सी पर्वत का नाम है तो यह है जी इक्वेडोर दे विच। कोटोपैक्सी पर्वत इस देश दे विच है इक्वेडोर उसका नाम है देश का नाम है। अगला प्रश्न है मैक्सिको स्थित
चिहुआहुआ खेतर किस खनिज के लिए जाने जाता है? मैक्सीको दे विच स्थित है खेतर चिहुआहुआ, यह किस खनिज के लिए जाने जाता है? तो यह है जी चांदी के लिए। ICICI की स्थापना कदों हुई सी? तो यह हुई सी जी 1955 दे विच। जीवन बीमा का राष्ट्रीकरण कदों होया सी? तो यह होया सीगा जी 1956 दे विच। दोनों ने डेट एक ईयर की फर्क है, ICICI की 1955 दे विच अते जीवन बीमा का राष्ट्रीकरण 1956 दे विच। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस साल हुई सी? तो यह हुई सी जी 1935 दे विच। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंशियल रिकनस्ट्रक्शन की स्थापना कदों हुई सी? तो यह हुई सी जी 1987 दे विच। स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट 1947 नूं प्रस्तुत करने वाला वित्त मंत्री कौन सी? तो वह सीगा आर के सना मुख सेंटी शैटी सीगा जो स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया सीगा, तो यह वित्त मंत्री सी आर के सना मुख शैटी उसका नाम सी। वणजिक पद्धर की देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना किथे स्थापित की जा रही है? तो वह है जी मथानिया दे विच। अगला प्रश्न है, शेयर बाजार विच उस व्यक्ति नूं की कहा जाता है जो भविष्य विच शेयर कीमतों विच वाधा होने का अनुमान करता है अते देखते हुए भविष्य विच शेयर वेच के लाभ कमाउण दे उद्देश नाल शेयर की खरीददारी करता है? तो उस व्यक्ति नूं बुल कहा जाता है। वह मुद्रा जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार विच मंग की तुलना विच पूर्ति अधिक होंदी है तो उसनों की कहा जाता है? तो उसनों कहते ने उधार मुद्रा। भारत विच बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप की है? तो वह है जी सरचनात्मक। भारत विच बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है। G8 संगठन विच शामिल किया अठवां राष्ट्र केड़ा है? तो वह है जी नमक, इतने रूस लिखा हुआ है, फोंट साइज चेंज हुए हैं, ये क्वेश्चन तुम छड़ दो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कदों हुई सी अते इसका पहला प्रधान कौन सी? तो यदि स्थापना जी 1938 हुई सी, यदा पहला प्रधान से जोड़ा जवाहर लाल नेहरू से। तो ये अठवां राष्ट्र है जोड़ा रूस होएगा, नमक नहीं है, ये शायद अपने आप ये ऐड हो गया। अठवां राष्ट्र जोड़ा रूस सीगा। भारत की किस पांच साली योजना में प्राथमिकता नूं विकास तो हटा के प्रतिरक्षा के वल केंद्रित किया गया? तो वह सीगी तीसरी पांच साल योजना जिन्हों जो प्राथमिकता नूं विकास तो हटा के प्रतिरक्षा के वल केंद्रित किया गया सी। ये भारत की तीसरी पांच साल योजना सी। भारत के किस राज ने सब तो पहला रुजगार गरंटी प्रोग्राम चलाया? तो ये चलाया सीगा जी महाराष्ट्र राज ने। राष्ट्रीय एक्टिविटी निधि स्कीम का संचालन किस दे द्वारा किया जाता है?
ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ SIDBI ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਨਵੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਲ ਵਰਤਿਤ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਆਧਾਰਭੂਤ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਬਾਰਡ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੇਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਸਾਲ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ, ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਨਿਊ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਮਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਜਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਐਡਮ ਸਕਿਮ ਦਾ। ਐਡਮ ਸਕਿਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਜਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਯੂਨਿਟ ਟਰੱਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਨਿਟ ਟਰੱਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1964 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕੋਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।